प्यासा कौवा घड़े में कम पानी, बहुत सारे कंकड़, इनसे मिलकर बनी है आज की एक कहानी जिसका नाम है प्यासा कौवा। और आप सभी लोग हमारे साथ इस कहानी को पढ़ोगे। एक एक कौवा था, एक कौवा था, वह बहुत प्यासा था। वह बहुत प्यासा था। उसने चारों ओर देखा, उसे एक घड़ा दिखाई दिया, उसे एक घड़ा दिखाई दिया। ये वाला घड़ा, उसमें पानी बहुत नीचे था। उसमें पानी बहुत नीचे था। उसने एक कंकड़ घड़े में डाला। अपनी चोंच से ये कंकड़ जो आप देख रहे हो, कौवे ने अपनी चोंच से इन कंकड़ों में से एक एक कंकड़ उठाकर इस घड़े में डाला। घड़े का पानी ऊपर आ गया। घड़े का पानी यहाँ से यहाँ तक ऊपर आ गया। ये कंकड़ जो थे वो नीचे आ गए और पानी कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। कौवा ने अपनी मेहनत और उपाय मतलब तरीका है, सोच से अपनी प्यास बुझाई। तो इधर देखिए, ये एक प्यासा कौवा है जो कि इधर उधर भटक रहा था और इसको एक पानी का घड़ा दिखाई दिया जिसमें पानी कैसा था, बहुत कम था, नीचे था। अगर कौवा इसमें अपनी चोंच डालता तो पानी तक नहीं पहुंच रही थी, जिसकी वजह से वो पानी पी नहीं पा रहा था। अब कौवा क्या करता है कि घड़े के पास में पड़े हुए जो कंकड़ हैं उन कंकड़ों को एक एक करके उठाकर अपनी चोंच से इस घड़े में डालता है। तो कंकड़ नीचे आ जाते हैं और पानी ऊपर पहुंच जाता है। ऐसे क्या होता है, कौवा अब अपनी चोंच डालकर पानी पी लेता है और अपनी प्यास बुझा लेता है।